नवादा जिले के दिदौर पंचायत के कृष्णा नगर के लोगों के लिए बीती रात भयावह रही। यह रात यहां के रहने वाले मुसहर समुदाय के लोगों के लिए काली रात साबित हुई है। जहां शाम के बीते 6 बजे 150 की संख्या में आए उग्रवादियों ने पहले गोलियों की तरतराहट से माहौल खराब किया, उसके बाद बम के धमाके और केरोसिन तेल से पूरी बस्ती में आग लगा दी। आग की लपटें देखते देखते पूरी बस्ती में फैल गई, कईयों घर तबाह हो गए, मवेशियों की तड़प तड़प कर मौत हो गई, लोगों का आशियाना पल भर में उजड़ गया। स्थानीय लोग जिनके घर तबाह हुए हैं वो लोकल 18 से बात करते हुए बताते हैं कि इस स्थान पर हमारे पूर्वज रहा करते थे, हम पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं रहते हैं, लेकिन बीते कुछ समय से पासवान समुदाय के लोग इस जगह पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, जबकि यह जमीन हमें बिहार सरकार के द्वारा मिली हुई है। ऐसे में पूर्व में भी विवाद हो चुका है, स्थानीय प्रशासन को इस विषय की जानकारी कई बार दी जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके इस पर कोई अमल नहीं हुआ। जहां आग लगाई गई यह पूरी बस्ती दलित समुदाय की है, जो कि लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ है। यहां तकरीबन 100 से अधिक घर हैं, जिनमें आधे घर की दीवारें, मिट्टी, जाले और चूल्हा चौकी समेत कई चीजें नष्ट हो चुकी है। तो इस समय हम इस जगह पर मौजूद है जहां भयावह त्रासदी का सामना लोगों को करना पड़ा है। उग्रवादी तत्व जो थे उन्होंने इनके घर में आग लगा दी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पहले फायरिंग की गई, उसके बाद फिर इनके घर में आग लगाई गई है और इस वजह से कई सारी घरें जो हैं वो तबाह हो चुकी है। यहाँ देखिए खाना बनाने वाली सामग्री है, चूल्हा दिख रहा है, तवा दिख रहा है इसके ऊपर, और यहाँ की परिस्थिति ऐसी है कि ये पूरी तरीके से खाक है। इसके अलावा आप बर्तन को देख सकते हैं, बर्तन को छोड़िए यहाँ पर आप देखें कि ये रोटी पकी हुई है, ये रोटी बनी हुई थी लेकिन यहाँ के लोग खा नहीं पाए हैं, ऐसी समस्या यहाँ देखने को मिली है। यानी कि आप सोच लीजिए कि किसी भी परिवार पर क्या गुजरी होगी जब उसे पता चला होगा कि पहले उसके वहां पर फायरिंग हो रही है और फायरिंग होने के बाद जो है फिर उसके घर में आग लगा दी जाती है। हालांकि पुलिस इस मसले पर क्या कर रही है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जब ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं तो यहाँ की जो स्थिति है वो बेहद ही भयावह है। कई सारे ऐसे घर हैं जो कि बर्बाद हो चुके हैं, पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। यहाँ आने पर एक और चीज के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली है और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ जो बस्ती है वो माझी समुदाय की है, यानी कि दलित समुदाय की है, लेकिन इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यीशु मसीह को मानते हैं, यानी कि कन्वर्ट हो चुके हैं और क्रिश्चियन है। ठीक, ये यहाँ के स्थानीय लोगों ने ही हमें बताया है, लेकिन जो व्यक्ति उग्रवादी है, जो जिन्होंने ऐसी हमला करने की कोशिश की है, साजिश रची है, उस व्यक्ति के बारे में जितनी बातें की जाए वो कम ही है। बताते हैं यहाँ के लोग कि वो लोग इस जमीन पर कब्जा करना चाहते थे और कब्जा करने के लिए ये विवाद वर्षों से चला आ रहा था। इसी विवाद को खत्म करने के लिए उन्होंने ठानी और ठानने में उन्होंने क्या किया कि पहले फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद जो है यहाँ आग लगा दी हर एक घर में। स्थानीय लोगों ने जब पुलिस को सूचना दी तो पुलिस की टीम 1.5 घंटे के बाद पहुंची, ऐसा स्थानीय लोग ही हमें बता रहे हैं। यहाँ व्याकुल लोग हैं जो कई रातों से भूखे हैं, बीते रात से इन्हें खाना नसीब नहीं हुआ है और यहाँ के लोगों की समस्याएं बढ़ती ही जा रही है। हालांकि यहाँ पुलिस की टीम पहुंच रही है, प्रशासनिक जमला पहुंच रहा है, बड़े बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं, मीडियाकर्मी पहुंच रहे हैं और सभी इनकी रिपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आगे इस मामले पर क्या होगा हमारी नजर बनी रहेगी। यहाँ हमें काली देवी मिली। काली देवी पहली बार माँ बनी है। आने वाले कल वो अपने बच्चे का धूमधाम से छठीहार मनाने वाली थी। उसने कुछ पैसे कर्ज पर भी लिया था, लेकिन इस त्रासदी ने पूरे घर को तबाह कर दिया। इस समय हम नवादा जिला अंतर्गत डेदौर पंचायत के कृष्णा नगर में मौजूद हैं और इन लोगों के लिए जो बीती रात गुजरी है वो काफ़ी भयावह गुजरी है। अन्य रातों की भांति यह रात सामान्य नहीं रही है और यहाँ कई तरीकों की तकलीफों से लोगों को गुजरना पड़ा है। इनकी बस्ती में अचानक उपद्रवियों तत्वों ने धावा बोला और उसके बाद आग लगा दी, जिसकी वजह से कई सारे घर जो हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं। यहाँ स्थानीय लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस भयावह मंजर के पीछे का सच क्या है। इनको दिखाइए, दिखा रहे हैं सर। अपना नाम बता दीजिए। कारी देवी। कारी जी, क्या हुआ था रात में? रात में उन्हें साया है सर, आग लगा दिया।
आगे तो गोली छोड़ा है, ओकर बाद झपरा आग लगा दिया है। कितने बजे की घटना है ये? 6 बजे शाम से। 6 बजे शाम में ही? हाँ। आग किसने लगाया? आग ने लगाया नंदू पासवान, मुनि पासवान, नगेश्वरी पासवान। क्यों? वो कह रहा है न सर कि हमारा जमीन है, इस जमीन से हटो तो हनी तो हमारा बाप दादा सब यहाँ पर बूढ़ा हो गया है, ससुर मर गया है, सास बचता है, सास ससुर मर गया है, बाबा मर गया है, वहाँ अथी से जोता रहा है जमीन। तो वो कह रहा है कि तुम हटो हम रहेगा। तो नौनो कट्ठा के पर्चा मिला है सर, खाली इसको पर्चा मिला है। नौनो कट्ठा का पर्चा मिला है, मतलब क्या? ये कह रहे हैं कि ये उनकी जमीन है, आप लोग कह रहे हैं कि आपके पूर्वज जिस जगह पर रहते थे तो आप भी रहेंगे? हाँ, तो हमारा जमीन है तो हमारा नौनो के कट्ठा के पर्चा बनल है सर। अच्छा, तो वह पर अथी वह तो जता रहा फिर ये वाला, तो ये वाला कागज मिले मिले। यहाँ कुल कितने परिवार रहते हैं? हमारी सौ रहता है। यहाँ कुल कितने लोगों ने अपना घर बना रखा है? कितने लोग? मात्र 4 दिन का बच्चा। जरा सोचिए यहाँ पर कि ये बच्चा बस 4 दिनों का है और इस बच्चे के घर में आग लगा दी गई है। सोचिए इस बच्चे के साथ क्या हाल होगा। एक बात बताइए, जब आग लगी थी तो आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि आग लगी है, फिर पुलिस को कब इन्फॉर्मेशन दी गई और पुलिस कितनी देर के बाद पहुँची? सर गया है झपरा, सर तो पहुँचा है, आया होने से सर आग लगा दिया है, जो रुपया पैसा गेहूँ चल रहा है जो सौ जर गया हमारा। ठीक, कल आपके बच्चे का क्या था? छठिया तो सारा पैसा वैसा? हाँ, पैसा गल्ला पत्ती सौ लुगा फाटा सौ जर गया, जेब में ले जा सब जल गया, सब जला। तो आप लोग क्या किए, बच्चे को लेके भागे उस समय? हाँ, सब बच्चे के लोग भागने लगा, हम बच्चा छोड़ दे, पैसा के चक्कर में बच्चा छूट जाता तो पैसा काम जगह सर कि बच्चा काम जगह। अब यहाँ मौजूद सारे लोग बेबस और बेसुध दिखाई दे रहे हैं। कारी देवी ने हमसे बात करते हुए बताया कि बच्चे बचेंगे तो सब हासिल हो जाएगा, चिंता जरूर है लेकिन जान बची है तो सब फिर से हासिल कर लेंगे। घर जला दिया है, बच्चे के कहाँ ले जाएंगे, सब लंग के घर है, देखो कपड़ा सही जल गया। कितने बजे ये घटना हुई थी, कब? बहुत बच्चा के हो गई। कितने बजे हुआ था? 6 बजे। 6 बजे हुआ था। आप लोग देखे थे आते हुए उन लोगों को? हम लोग तो आते देखते हैं। ठीक है, बउआ उठो, तो तुम बताओ तो कितने बजे हुआ था? 6 बजे। तुम्हारा नाम क्या है? प्रीति कुमार। तो क्या देखे थे तुम? उधर से मतलब 150 आदमी आए थे, आए बंदूक और बाबू मारने लगे, खाना बना रहे थे, सबको रगिया दिए, नदी देने जाके जोड़ी उड़ी में घर उर लहकाने लगा, हम लोग को भगा। घर कैसे जला दिया? मिट्टी तेल छिड़क के, किरासिन तेल छिड़क के? हाँ, किरासिन है, बम भी फेंकते थे। अच्छा, गोली भी मारते थे। अच्छा। हाँ, और लहका गया, हम लोग को कहता था तुम लोग की भी जला देंगे, तो हम लोग डर से उधर चल गए थे। आलम यह है कि यहाँ बड़े बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चों तक को खाना नसीब नहीं हुआ है। बीते रात से ही ये लोग भूख से बिलबिला रहे हैं। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा चूरा गुड़ जरूर बांटा जा रहा है लेकिन उससे पेट नहीं भरा जा सकता। एक तरफ जहां इनकी किस्मत अच्छी रही कि इस कुकृत्य में इनकी जान बची रही, वहीं किस्मत का दोष दें या अपराधियों के रक्त चरित्र की होली खेलने का दोष, इनके आशियाना तबाह हो चुके हैं। प्रशासनिक जत्था मौके पर मौजूद है लेकिन बड़ा सवाल यही है कि दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी और क्या इनका आशियाना एक बार फिर बसाया जा सकेगा।